अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी जंतर को उगाने लगे हैं जी, ये तरीका सारा आप देख लें। ये जी तकरीबन 5 kg जो यूरिया खाद है ये वो वाली है, इसमें जी 5 kg जो गुवारा खाद वो मिक्स करेंगे। इन दोनों खादों को ना ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपको DAP मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, वो खैर नहीं मिली तो इसी से गुजारा कर रहे हैं जी। इन दोनों को ना मिक्स करना है, दोनों खादों को मिक्स कर लो यार। आपको ज़मीन भी दिखाता हूँ जी, तकरीबन 2 से 2.5 कनाल जगह है, पानी शानी लग गया है पहले अच्छी तरह से, घास घास उसका इकट्ठा करके वो गिर रही है यार उस साइड से। खाद मिक्स करनी, चलो बीज डालो। तकरीबन 3 कनाल जगह है तो 1 कनाल के लिए 1 kg वो काफ़ी होता है। ये जी इसमें बीज डालने लगे हैं जंतर का। ठीक है, ये जंतर का बीज इसमें डालने के बाद मिक्स करना है, ये भी डाल दो। ये टोटल जी 3 kg बीज है इसका। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम देंगे छटा। पानी लग गया ज़मीन में, जैसे बरसीन काश करते हैं, लूसन करते हैं, सेम वही मेथड है। मिक्स कर लो भी इसको। जी ये जी बीज मिक्स हो रहा है इसका, जंतर का। ये 3 वैराइटीज़ हो गई हैं, एक तो जंतर का बीज है, सोना यूरिया खाद है, और गुवारा जो खाद की वैराइटी है। ये तकरीबन 2-2.5 कनाल है तो इसमें जी 5-5 kg गवारा और सोना यूरिया खाद है, और 3 kg इसमें ना जंतर का बीज है। अब जिसका छट्टा दिया जाएगा, ज़मीन भी आपको दिखाता हूँ। ये जी ज़मीन है सारी, ये आपको नज़र आ रहा, पानी लग गया है, ये एंड तक नज़र आ रही है। ये इसमें जी अभी बंदा छट्टा देगा, डे बाई डे जो भी उसकी प्रोग्रेस होगी आपके साथ शेयर करूँगा। ये जी बंदा इसे मैं छट्टा देने लगा है इसका, जंतर का, इंशाल्लाह से ठीक है। आज जी 9 फरवरी है, कहा यही जाता है 50 से 60 दिन के अंदर ये इसका पहला जो काट है वो तैयार हो जाता है। जो भी प्रोग्रेस होगी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ये ज़मीन एक्चुअल में बंजर है, कुछ 10 साल बाद इसकी दोबारा काश हो रही है। खैर जो भी रिजल्ट हुआ आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ओके, ज़मीन में पहले हल चलाया जी, घास जो है वो इसमें इकट्ठा करने के बाद लेवलिंग की है, लेवलिंग के बाद इसमें पानी छोड़ दिया है जी, तो उसके बाद ये छटा दिया जा रहा है। 2 खादें इसमें मिक्स की हैं और तीसरा है जी जंतर का बीज है 3 kg। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए डाली है कि ज़मीन अरसे बाद काश्त हो रही है, कोई मसला भी हो तो तब वो कवर हो जाएगा। ओके ठीक है, ये जिसका कंप्लीट प्रोसीजर है, बाकी डे बाय डे प्रोग्रेस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।